अगर आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तभी सिर्फ इस यूनिवर्सिटी का रुख करें। आखिर ऐसा रिव्यू क्यों दे रहे हैं श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स? कोई एलुमनाई नेटवर्क नहीं, फैकल्टी अप टू द मार्क नहीं, अब इन बातों में आखिर कितनी सच्चाई है? गवर्नमेंट जुडिशियल सर्विसेज में सिलेक्शन में क्या रहा है यूनिवर्सिटी का योगदान? कहीं ये बात सिर्फ प्रमोशन के लिए तो नहीं? ऐसे ही सवालों को मद्देनजर रखते हुए आइए आज करते हैं श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी का एक रियलिटी चेक। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात, अब कॉलेजेस 18 ने नेशनल असिस्टेंस के साथ साथ इंटरनेशनल असिस्टेंस भी स्टार्ट कर दिया है, तो अगर आप अब्रॉड जाकर पढ़ना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें हमारे नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी हमारे कुछ अब्रॉड कॉलेज के वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो गाइस, मैं हिमांशु कॉलेज 18 की तरफ से आया हूँ श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी का रिव्यू लेकर। आज हम जानेंगे कॉलेज के बैकग्राउंड, अप्रूवल, कोर्सेस, फीस, इंफ्रा, कैंपस लाइफ और प्लेसमेंट के बारे में। यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 2012 में हुई थी और इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर देखें तो वो ये है कि इनके सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है गवर्नमेंट जुडिशियल सर्विसेज में, जो कि काबिले तारीफ है। प्लेसमेंट्स में देखा जाए तो आंकड़े काफी हद तक ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अप्रूवल्स की। तो श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी UGC से अप्रूव्ड है और कुछ और अप्रूवल्स भी इनके पास है, जैसे COA, PCI, NCT, BCI, AIU, AICT और NAC से भी एग्रीगेशन है। यूनिवर्सिटी लखनऊ देवा रोड बाराबंकी में लोकेटेड है और यहाँ पहुंचने के लिए यूनिवर्सिटी अपना ट्रांसपोर्ट अवेलेबल कराती है और साथ ही एक वेल कनेक्टेड एरिया है, तो आप आसानी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी यहाँ पहुंच सकते हैं। अगर कोर्सेज की बात करें तो कोर्सेज में तो यहाँ बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके लिए, जैसे मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, लीगल स्टडीज मींस LLB, टेक्निकल कोर्सेज, फार्मेसी, साइंस एंड मच मोर। यूनिवर्सिटी में लगभग 50 से ज्यादा UG और PG कोर्सेज अवेलेबल हैं, इसके साथ ही डिप्लोमा कोर्स भी अवेलेबल है। वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज होने की वजह से काफी अच्छा एक्सपोजर आप यहां ले सकते हैं, बट हमारी एडवाइस यही रहेगी जो भी कोर्स आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो आप अपने इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ के हिसाब से करें। इसके लिए आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो और हमसे डिस्कस कर सकते हो कि कौन सा कोर्स आपके लिए सही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो हर साल आपको यहाँ लगभग 35,000 से लेकर 1,55,000 तक का खर्चा करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू जो भी कोर्स आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं या कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है तो आपके साथ यहाँ पर स्कॉलरशिप के ऑप्शन भी मिलेंगे, जिसके लिए आप हमें हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि यूनिवर्सिटी आखिर क्या फैसिलिटीज दे रही है जिससे कि फीस जस्टिफाई हो पाए। बढ़ते हैं इंफ्रा की तरफ। इंफ्रा की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी लगभग 100 एकड़ में फैली हुई है, वाईफाई अवेलेबल है, फुली AC स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें सभी एसेंशियल फैसिलिटीज जैसे लैब्स, लाइब्रेरी, हॉस्टल, स्पोर्ट्स ग्राउंड अवेलेबल है। लाइब्रेरी फुली AC एंड वाईफाई अनेबल होने के साथ ही डिजिटली एक्टिव है, जिसमें स्टूडेंट्स अपने सभी डाउट्स को आसानी से क्लियर करने में सक्षम है। लाइब्रेरी में लगभग 40,000 से ज्यादा किताबें और 800 से ज्यादा जर्नल्स और ई जर्नल्स अवेलेबल हैं। यूनिवर्सिटी में अलग स्टेट के बच्चों के लिए हॉस्टल भी अवेलेबल है, जिसमें जरूरत के हिसाब से सभी फैसिलिटी जैसे मेस, लाइब्रेरी, लॉन्ड्री, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप सब मौजूद है।
बच्चों को देखा जाए तो सबसे अच्छा डेवलपमेंट होता है स्पोर्ट्स से, और इसी का ध्यान रखते हुए कॉलेज में सभी तरह के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जैसे क्रिकेट ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड, बास्केट ग्राउंड, सब कुछ आपको कॉलेज में मिल जाता है। तो इंफ्रा की ओवरऑल रेटिंग देखी जाए तो काफी अच्छी है। कैंपस लाइफ की बात करें तो यूनिवर्सिटी में काफी तरह के क्लब्स अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए, साथ में कई तरीके के इवेंट जैसे कि फेस्ट भी यहाँ पे होता रहता है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफी इंडस्ट्रियल विजिट्स भी कराती है। यहाँ पर काफी सेलिब्रिटी परफॉर्मेंस भी अब तक देखे जा चुके हैं। तो ओवरऑल कैंपस लाइफ की बात करें तो उतनी भी बुरी नहीं है, काफी अच्छी है। अब जान लेते हैं सबसे मेन पॉइंट के बारे में, जो कि है प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी का लगभग 14 लाख रुपए पर एनम गया है, और क्लेम्स की माने तो एवरेज पैकेज करीब 4.5 लाख रुपए के आसपास है। अब वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है आपके लिए, पर काफी फैक्टर्स हो सकते हैं जिन पर आपको ध्यान देना जरूरी रहेगा, जैसे कि बजट, लोकेशन। हो सकता है अभी भी कुछ संदेह आपके मन में जन्म ले रहे हो, तो अब क्या करना है, कॉलेज 18 के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके हमारे काउंसलर से बात करें, जिससे कि आप जान पाएंगे कि कौन सा कॉलेज आपके लिए सही रहेगा, जो बजट फ्रेंडली हो, प्लेसमेंट्स में अच्छा हो, लोकेशन वाइज आपके लिए सही हो। मैं हिमांशु आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।